देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, बड़ी खबर अहम जानकारी। मालदेवता के सरखेत में बादल फट चुका है। देर रात से एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी। तपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। भारी बारिश से क्षेत्र में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि मालदेवता के सरखेत में बादल फटने के बाद यह घटना अमल में आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तपकेश्वर महादेव के जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि ईश्वर का इस बात को लेकर के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भले ही जो हुआ वो हुआ, लेकिन जालमान की हानि नहीं हुई है। और जो ये है मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता एक व्यक्ति है, इनका एक भाई था। 12 ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दिल दहला देने वाली। बादल फटने की घटना के बाद जल स्तर अचानक से बढ़ गया है और देहरादून का टपकेश्वर महादेव जहां बगल से ही एक तरीके की नदी, या यूं कहें कि नदी निकलती है, छोटी नदी है वो, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अचानक से पानी बढ़ा और ये पानी लोगों के घरों तक में दाखिल हो गया है। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर पानी दाखिल हो गया है। महंत ने बोला है टपकेश्वर महादेव के कि हालांकि किसी तरह की हमें जान माल की हानि नहीं हुई है। माल देवता के सरखेत का ये पूरा मामला जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई और देर रात से ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को सांत्वना देने का भी काम कर रहे हैं। माल देवता के सरखेत में बादल फटा और इसके बाद यह घटना सामने आई। आपको बता दें कि टपकेश्वर महादेव जो कि देहरादून में स्थित है, वहां से संबंधित खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। उसका स्ट्रक्चर समझिए, उसके पास से ही एक छोटी नदी गुजरती है, लेकिन चूंकि सरखेत में बादल फट गया उसके बाद वहां जो नदी है, छोटी नदी, उसका जल स्तर अचानक से इतना ज्यादा बढ़ा कि लोगों के घरों तक में पानी दाखिल हो गया है। अजीत कांबोड जुड़े हैं हमारे साथ में। अजीत, ये अपने आप में बड़ी घटना है। एसडीआरएफ की टीम, हालांकि कहा जा रहा है कि रात भर से लगी हुई है, रेस्क्यू भी चल रहा है लोगों का, गणेश जोशी भी पहुंचे हुए हैं, लगभग कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि टपकेश्वर महादेव के जो महंत हैं वो कह रहे हैं कि किसी तरह की जान माल की हानि तो फिलहाल नहीं हुई है। बिल्कुल पूछा, ये बड़ा नुकसान हुआ है राजधानी देहरादून में। सुबह सवेरे लगभग 3 बजे के करीब ये बादल फटने की घटना जो है राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में हुई है और सरखेत ये ग्रामीण इलाका था जो देहरादून और टिहरी जनपद के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर ये था और यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। इससे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने खुद स्थलीय निरीक्षण किया है। उनको गाड़ी छोड़कर जेसीबी पर बैठकर रास्ता क्रॉस करना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, जो हमने खुद वहाँ पर तस्वीरें देखी हैं और जिस तरह से कई पुल जमींदोज हुए हैं, पुल को जोड़ने वाली कनेक्टिंग सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, कई वाहन ऐसे हैं, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा वाहन है वो किनारे खड़े हुए वाहन थे, वो नदी में पहुंच चुके हैं पानी के साथ, सैलाब में बहकर। हालांकि जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन माल का यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होने की बात आ रही है और आकलन अभी जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं और जिस तरह के नुकसान की चीजें हैं वो खुद मुख्यमंत्री ने स्थल निरीक्षण किया है, त्वरित गति से यहाँ पर कार्य करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को। बिल्कुल अजीत, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो छोटी नदी बगल से निकल रही थी, इसके बाद क्या इस पानी को डाइवर्ट भी किया जा रहा है, इसकी कोई योजना बनी है अभी तक? बिल्कुल, एक जो ताजा अपडेट ये है कि सेना से मदद लेने की बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक गांव है जहां पर मेन जो घटना हुई है, क्लाउड बर्स्ट वाली बात हुई है, वहां का पूरा कनेक्टिविटी कट चुकी है, तो वहां पर लगभग ग्रामीण है उनको रेस्क्यू करना है, हेलीकॉप्टर की मदद यहाँ पर ली जा रही है। सरकारी जो उत्तराखंड सरकार का हेलीकॉप्टर है वो मौके पर डिप्यूट किया गया है जहाँ पर आम जनता को रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चलिए